अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि पिछले दिनों मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, सॉरी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें यह था कि हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि सम टाइम ये होता है कि कुछ रिसोर्सेज चाहते हैं कि वो वेब डेवलपमेंट का काम सीख लें, तो उनके सामने पिक्चर क्लियर नहीं होती कि उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे काम स्टार्ट करना चाहिए और इसमें का क्या फ्लो होता है, उससे क्या बेसिक्स होती हैं और उन्हें क्या क्या करना पड़ता है इस रोल के लिए। तो पहली जो वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो उस वीडियो पहली वीडियो थी, उसमें यह था कि बेसिक क्या होता है, वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। तो उसके बाद मैंने मज़ीद तीन वीडियो और बना दी हैं। पहली वीडियो ये होगी हाउ टू डिज़ाइन डाटाबेस, डाटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। दूसरी होगी हाउ टू क्रिएट UI UX, कि जो वेबसाइट बनेगी तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, इंटरफेस कैसा होगा। तीसरी कि इसका बैकएंड पर कैसे काम करना है। तो तीन वीडियो इसकी मज़ीद और बननी है। तो इसमें आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो ये वाला टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन डाटाबेस, ये चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं कि डाटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। जब भी किसी ने कोई काम करना होता है तो हर बंदे का काम करने का एक डिफरेंट मेथड होता है और हर बंदा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ काम कर रहा होता है। जो भी अप्रोच फॉलो कर रहा होता है वो उसके हिसाब से ठीक होती है। तो हम काम कर रहे हैं, ये मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी एक प्रॉपर मेथड है काम करने का, मैं उस तरह करता हूँ। तो अब अगर हम बात करें डेटाबेस की, डेटाबेस होती है क्या, क्या करती है, क्या मकसद है, ये बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, ठीक है। डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जो हमें हमारे जहन में होने चाहिए डाटाबेस क्रिएट करते हुए। अगर यहाँ पर हम देखें एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, डेटाबेस क्या होती है और डाटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। सिंपल सी यही है कि डाटाबेस एक ऐसी कंटेनर होता है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को सेव करते हो, इंफॉर्मेशन को सेव करते हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर लेते हो और उसी इंफॉर्मेशन को जब आप चाहते हो तो आप अपडेट कर लेते हो और जब दिल चाहता है आप उसमें से इंफॉर्मेशन देख लेते हो और इंफॉर्मेशन देख के जो आपने उस पर एनालिसिस करने हैं वो आप कर लेते हो। और जब भी आप डाटाबेस क्रिएट करते हो, डाटाबेस क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है कि सपोज करें कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन क्या होगी, क्या उस एप्लीकेशन का पर्पज़ क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हो और क्या मकसद है उसका। तो इसके लिए जब भी आप करते हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखते हो कि यार हमारे पास एक टेबल बनता है, उसके अंदर फिर कॉलम बनते हैं, फिर रिलेशनशिप बन रहे होते हैं, फिर कुछ उनके ज्वाइंस लग जाते हैं और ये सारा आपको कह लें कि एक डाटाबेस बनाते हुए एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। जब डाटाबेस आप बनाते हो तो उसके अंदर डाटाबेस के टेबल्स बन जाते हैं, उनमें डाटा चला जाता है, फिर आपने देखना होता है कि किस टेबल पे किसको क्या एक्सेस देनी है, उस परमिशन लग जाती है। फिर जब डाटाबेस बनाते हो तो डाटाबेस बनाते हुए आपने देखना पड़ता है कि डाटाबेस का नाम क्या रखना है, अपने डाटाबेस के जो टेबल्स हैं और टेबल्स का नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर कॉलम बनेंगे, कॉलम्स के नाम क्या होने चाहिए, फिर उसके अंदर डाटा रिट्रीव करने के लिए स्टोर प्रोसीजर बनेंगे, स्टोर प्रोसीजर किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या नाम होना चाहिए उनका, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और फिर जब भी आप डाटाबेस का टेबल बनाते हो तो आपने उसको यानी कि प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब आप डाटाबेस बनाते हो, डाटाबेस में टेबल बनाते हो, तो सम टाइम आप डाटाबेस में टेबल्स होते हैं या स्टोर प्रोसीजर होते हैं तो आपका उनका वर्जन मेंटेन करना पड़ता है। तो आप रुको उनका वर्जन, जिस तरह सपोज करके आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया ABC, उसको आप यूज़ कर रहे हो, कल को कोई चेंज आ गया उसके अंदर तो आपके पास उसको ABC जो पड़ा हुआ है उसको वर्जन 1 करके उसको सिस्टम में रखो, डिलीट ना करो, उसी की नई कॉपी कर क्रिएट कर लो, एक उस पर काम कर लो। कल को अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कि आपको स्टोर प्रोसीजर पहले वाला चाहिए तो आपके पास उसका बैकअप पड़ा हो कि ये वो वाला स्टोर प्रोसीजर था। फिर जब भी आप डाटाबेस में टेबल के अंदर कॉलम ऐड करते हैं तो डाटाबेस की प्रॉपर टाइप होती है। इस तरह सपोज करें कि मैंने एक टेबल बनाना है कस्टमर का, उसके अंदर टेबल का नेम कस्टमर हो गया और उसके बाद जब मैंने उसके अंदर फील्ड रखना है जिसको कॉलम कहते हैं, फर्स्ट नेम है, अब फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या हो सकती है, यानी कि फर्स्ट नेम है उसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट नेम में ज़ाहिर है किसी का भी नाम होता है, उसके अंदर करेक्टर होते हैं ABC, इसमें से कोई होता है, उसके अंदर नंबर नहीं होता, ठीक है। तो उसी डाटा टाइप आप स्ट्रिंग रख लेते हो, करेक्टर रख लेते हो, अगर अमाउंट है उसकी डाटा टाइप आप डेसिमल रख लेते हो, तो इस तरह आप उसके जो डाटा के मुताबिक उसकी डाटा टाइप रख लेते हो। फिर सम टाइम ये होता है कि जब डिफरेंट टेबल का ज्वाइन लगा होता है दूसरे टेबल्स के अंदर, वहाँ पर डाटा को आप नॉर्मलाइज कर लेते हो,
नॉर्मलाइज ये होता है कि डाटा आपका रिपीट ना हो, जितना चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता हो रेफरेंस वगैरह लगा के, प्राइमरी की वगैरह लगा के आप उनको यूज़ कर लो। उसके बाद ये होता है कि बैकअप एंड रिकवरी होती है कि डाटाबेस आपने बैकअप पढ़ा, जब डाटाबेस पर काम कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर उसका बैकअप हो। लेकिन सपोज करें कि अब आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई आपने क्यूरी चलाई है अपडेट की, तो अपडेट की क्यूरी चलाने से पहले आप उसका बैकअप रख लो ताकि कल को अगर चीज़ें अंडू करनी पड़ जाए तो आपके पास एक प्रॉपर मेथड हो कि आपने ये चीज़ की थी और इस तरह हो गया था और अब उसको अंडू करना है तो आपके पास प्रॉपर बैकअप रखा हो उसका। उसके बाद ये हमारे पास आ गई कि हमारे पास कुछ चीज़ है कि जिस तरह आप डाटाबेस का बैकअप रखते हो, इस तरह आपके पास डाटाबेस का जो टेबल होता है उसका भी बैकअप रख लेते हो। यानी कि एक टेबल है उसका बैकअप रख सकते हो, एक टेबल है कस्टमर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, अब आपने को क्यूरी चलानी है अपडेट की, तो बजाय डाटाबेस का पूरी का बैकअप रखो तो आपके पास जो टेबल होता है उस टेबल का भी बैकअप रख सकते हो। उसके पास डाटाबेस का बैकअप रख लिया, फिर स्टोर प्रोसीजर एंड व्यूज हो गए, यूज प्रॉपर कमेंट्स। जब भी आप एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हो, कोई व्यूज बनाते हो, उसके अंदर प्रॉपर आपके पास यानी कि उसके अंदर प्रॉपर कमेंटिंग हो ताकि कोई बंदा उसको यूज़ करना चाहे तो उसको पता हो कि यहाँ पे क्या करना है। जब भी आप डाटाबेस पे काम करते हो तो आप कोशिश करो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लो उसका डाटाबेस का, जिसके अंदर डाटा टाइप डिफाइन कर दो आप, कौन सा टेबल के अंदर कौन सा कॉलम रखा, वैसा क्या मकसद था, किस लिए रखा था, वो आप उसके अंदर रख लो ताकि कल को किसी और ने उस पर काम करना हो तो उसके लिए आसानी हो। अब अगर हम बात करें डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसमें सिंपल सी ये चीज़ है कि हम डाटाबेस पर क्लिक किया, डाटाबेस का हमने यहाँ पे नाम रखा। नाम रखते हो आपने करना क्या होता है कि कोई भी सपोज करे कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगा हूँ, लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट पे, अब उसका नाम मीनिंगफुल हो, जो भी नाम रखें आप उसका। सपोज करें कि मैं कहता हूँ शॉपिंग कार्ट रखना है मेरा प्रोजेक्ट का नाम, तो सपोज करें कि मैं रखूँगा शॉपिंग कार्ट डीपी। अब देखा जाए तो डाटाबेस में बनाने लगा हूँ तो मैंने एस कैपिटल लिखा है, सी कैपिटल लिखा है और डीबी लिखा हुआ है। मैंने डीबी इसलिए लिखा है कि ताकि जब मैं इसको डाटाबेस को क्रिएट कर लूँ तो मुझे जहाँ पे मैं फेच करूँ तो मुझे पता हो कि जो डीबी लिखा हुआ है ना हेड पे, तो इसका मतलब है कि डाटाबेस का नेम है। समटाइम ये होता है कि आप व्यूज यूज कर रहे होते हो, टेबल यूज कर रहे हो, तो आपको पता हो कि ये आपके डाटाबेस का नाम है। तो मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर ली शॉपिंग कार्ट डीबी। अब मेरे पास ये डाटाबेस क्रिएट हो गई है शॉपिंग कार्ट की डाटाबेस। अब ये तरीका था हमारे पास डाटाबेस क्रिएट करने का। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यानी कि डाटाबेस हमने क्रिएट कर ली, अब उसके अंदर डाटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं डिफरेंट। ठीक है, अब टेबल्स हमने बनाने हैं तो टेबल्स बनाने का प्रोसेस ये, राइट क्लिक करना है आप, यहाँ पे आपने न्यू टेबल बनाना है। अब सपोज करके मैं टेबल बनाने लगा हूँ कस्टमर का, तो इसका नाम ये होना चाहिए सी कैपिटल कस्टमर आईडी डी। ठीक है, कस्टमर का सी कैपिटल और उसके बाद आईडी का आई कैपिटल और इसकी डाटा टाइप क्या है जी, इंटीजर है या बिग इंट है, ये रख लिया, सेट किया, राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की कर दिया और ऑटो इंक्रीमेंट मैंने इसका ट्रू सेट कर लिया। और अब मैंने इसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा, अब फर्स्ट नेम का मैंने एफ कैपिटल लिखा है, एन कैपिटल लिखा है। अब इसकी टाइप क्या आ जाएगी, वारचार। अब मुझे पता है कि जो नेम होता है कितना नंबर होता है, तो मैं उसका वही नाम रखूँ यहाँ पे फर्स्ट, मैं इस पे वही नाम उतनी ही लेंथ रखूँ जितनी सेंस बनती है, या ना कि मैं 500 कर दूँ, 300 कर दूँ, 600 कर दूँ एक। और जहाँ पे आपको पता लग रहा हो कि यार इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट व्हाट कैन बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, उसे बता दिया जी 300 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया 50 रखी होती है लोगों ने, तो यहाँ पे लोग 50 रख रहे होते हैं, तो 50 रख लिया आपने, तो 30 करेक्टर्स भी आ सकते हैं अगर किसी ने वो ठीक है, बाकी 35 करेक्टर होते हैं गिवन नेम के लिए, 35। ठीक है, फैमिली नेम को मिला के सारा 70 बन जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, तो इसको आप 70 रख लो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह लास्ट नेम हो गया, लास्ट नेम अनवारचार, ठीक वारचार किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे 70 हो गया। इस तरह मैंने उसकी डेटा टाइप रख ली। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सपोज करें कि अब ये कस्टमर का टेबल है, अब मैंने यहाँ पे एक फॉरेन की लेके आनी है मैंने, तो सपोज करें मैं कहता हूँ कस्टमर टाइप आईडी इंट। तो हमेशा याद रखा जाए कि जब भी आप फॉरेन की लेके आते हैं ना किसी टेबल के अंदर, प्राइमरी की के बाद आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए।
पहले प्राइमरी की होती है, उसके बाद जितनी भी फॉरेन की है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल बना लोगे, फिर डाटा टाइप को चेक करोगे कि डाटा टाइप आपको इसकी क्या रखनी चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट था, आपने ये देख लिया कि डाटा टाइप आपने देख ली, ठीक है। और कभी भी, और जिस तरह सपोज करके मैंने क्रिएटिव डेट रख लिया, क्रिएटिव डेट टाइम, क्रिएटिव डेट रख लिया, ठीक है। ये अब सम टाइम होता है कि डेट ऑफ बर्थ रखनी है या क्रिएशन, अब क्रिएट डेट इसको हम टाइम कर लेते हैं, किस डेट और टाइम पे ये क्रिएट हुआ था। डेट ऑफ बर्थ पे हमने इसकी वो रख ली, डेट रख ली, ठीक है। तो अब देखना ये है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, जिस चीज़ का आपको पता है कि यार वो नल नहीं हो सकती, तो वो नल, मिसाल के तौर पर जब आप एक कस्टमर क्रिएट करने लगे हो, तो ये इम्पॉसिबल है कि कस्टमर का नेम ना हो, तो इसको अलाउ नल नहीं करना। जब भी रिकॉर्ड एबी में क्रिएट होगा, इसको अलाउ नल नहीं करना, उसमें एंट्री होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई फील्ड आ रहा है तो वहाँ पे उसको अलाउ नल नहीं करना, ताकि हम डाटा उसके अंदर डाटा सेव करें। तो ये अलाउ नल करना हर चीज़ को एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आपने सपोज करें डाटाबेस का टेबल बन गया, मैंने इस टेबल को सेव कर दिया और मैंने इसका नाम यहाँ पे मैं फील्ड और क्रिएट करने लगा था, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, एनवर्चा टैग, मैंने इसको सेव कर दिया, इसका नाम मैंने लिख दिया कस्टमर्स या कस्टमर रख लिया। अब टेबल को सेव किया, मैं नाम इसका मैंने कस्टमर रखा है, ठीक हो गया। हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया कस्टमर का, ठीक हो गया। अब हमने, हमारे पास टेबल बन गया, डाटा टाइप वगैरह देख ली हमने, अब करना ये है कि डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए हमने स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं। अब जो स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं, तो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बनाने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है कि आपके पास एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा जिसका नाम होगा यूएसपी गेट कस्टमर, यूएसपी प्रीफिक्स होगा जो कि लोअर केस में है, गेट का जी कैपिटल हो, कस्टमर का सी कैपिटल होगा। तो जब भी आप कस्टमर की लिस्ट चाहिए होगी, आप इसका क्या करोगे कि ये स्टोर प्रोसीजर बनाओगे। अब इसी तरह एक मैं बात करता हूँ, टेबल स्टोर प्रोसीजर बनाया प्रोडक्ट्स का, तो उसका बनेगा यूएसपी गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह हमने ये कह लें कि हमारे पास ये एक प्रीफिक्स है जो कि हमने हर टेबल के शुरू में, हर स्टोर प्रोसीजर के शुरू में यूज करना है। जब भी हमने कोई कस्टमर डिटेल बनानी है, तो उसका होगा यूएसपी गेट कस्टमर डिटेल। तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या हो गया, यूएसपी गेट कस्टमर डिटेल्स। अब कस्टमर डिटेल्स का जब भी अपना स्टोर प्रोसीजर बनाना है, तो आपने इसी का ख्याल रखना है कि जो स्टोर प्रोसीजर बनेगा, इसके अंदर जो फॉरेन की आ रही है उसका ज्वाइन लगेगा। ज्वाइन लगा के कस्टमर का, कस्टमर टाइप का टेबल था, अब एक और टेबल कस्टमर टाइप का होगा, जिसके अंदर कस्टमर टाइप का टाइटल आ रहा होगा और उसका आई डी आ रहा होगा। तो इस पे आपने हमेशा क्या करना है कि डिटेल पे आपने आईडी भी शो कराना है, प्लस कस्टमर की जो टाइप थी, जो उसका टाइटल था, वो भी शो करवाना है। तो हमारे पास ये जो स्टोर पेज बनेगा, वो रिटर्न कर रहा होगा कस्टमर डिटेल में उसका, कस्टमर टाइप का टाइटल भी रिटर्न कर रहा होगा, उसका आईडी भी रिटर्न कर रहा होगा। जितने भी फॉरेन की होती हैं, उनकी आपके जो फर्दर वैल्यू होती है, वो आपने उस पर रिटर्न करवानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टमर टाइप आईडी इंट, कस्टमर टाइप टाइटल, ठीक है। ये किया मैंने, इसको सेव कर दिया, कस्टमर टाइप्स, अब कस्टमर का सी कैपिटल, टाइप्स का टी कैपिटल। अब मैंने क्या किया कि कस्टमर टाइप के अंदर मैंने कोई वैल्यू ऐड कर दी, वन का मतलब है रेगुलर कस्टमर, ओके। अब जिस तरह ये कह रहा है, मुझे कोई एरर दे रहा है इस पर, एन करेक्टर कह रहा है, उसकी डाटा टाइप मैंने गलत कर दी थी, आर सी कर दिया मैंने उसको, ठीक है। टू किया इसको मैंने वी सी, ठीक है, उसकी डाटा टाइप करेक्टर लेगा वो, तो अच्छा खैर। अब जब मैं कस्टमर का ज्वाइन करूंगा, तो उस इसका मैं बता ही रहा था कि इसका आईडी रिटर्न करना, टाइटल था कि हम डिटेल पेज पे शो कर रहे हैं, तो ये टाइटल भी आ रहा हो कस्टमर का। तो इस तरह हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन गया, और जाहिर है उसका मैंने ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब जब कस्टमर क्रिएट करना है, तो उसका स्टोर प्रोसीजर होना चाहिए यूएसपी इंसर्ट कस्टमर, और जब कस्टमर को अपडेट करना है, तो होना चाहिए यूएसपी अपडेट कस्टमर।
जब डिलीट का बनाना है तो यूएसपी डिलीट कस्टमर, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉलो करना है स्टोर प्रोसीजर बनाते हुए। कोई भी बंदा स्टोर प्रोसीजर ढूंढना चाहे तो उसको पता होगा कि जो ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं हमने, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कस्टमर का टेबल था, इसके अंदर मैंने इसकी आईडी 1 कर दी, ए बी 10 10 2023 कंट्रोल सी टी, ठीक हो गया, हमारे पास कस्टमर बन गया। इसकी टाइप 2 आ गई, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, हमारे पास ये किस्म का 2 टेबल बन गए। अब जब मैंने स्टोर पेज बनाना है इसका, तो मैंने इसकी इनके जब अब हम इसका स्टोर पेज बनाएगा तो उसे कस्टमर टाइप लेके आनी है। मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ जी मैंने एक टेबल बनाया, इसका व्यू बनाना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो इसमें 2 कस्टमर आ गए। अब मुझे इसकी टाइप लानी है, टाइप लाने के लिए इसका ज्वाइन लगाना पड़ेगा कस्टमर टाइप के साथ, और फिर इसकी डिटेल भी आ जाएगी सारी। और कभी भी स्टैटिक यूज नहीं करना, अपने प्रॉपर उसकी एलियस बना के ना वो यूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी इनर ज्वाइन कस्टमर टाइप्स सीटी, और इसको कर दिया सी ऑन सीटी डॉट सीटी डॉट कस्टमर टाइप आईडी सी डॉट कस्टमर टाइप आईडी, ये हमारे पास स्टोर पेज बन गया। अब मैंने रिटर्न करवाना था, इसकी टाइप भी आ गई, इसकी ये भी आ गई, ठीक है ना। अब तो मैंने स्टैटिक लिखा तो सबका स्टैटिक ज्वाइन कर दी। अप्रोच ये सही नहीं होती, अप्रोच ये होती है कि आपने 1 by 1 चीज़ें यूज करनी है, सी डॉट फर्स्ट नेम। अब उसने रिटर्न कर दिया वो, उसके बाद है सीटी डॉट कस्टमर टाइप टाइटल, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह 1 by 1 सारी चीज़ रिटर्न करनी। कभी भी क्यूरी के अंदर स्टैटिक यूज नहीं करना, आपने जो भी चीज़ें चाहिए होंगी आपको प्रॉपर रिटर्न करवानी है। तो स्टोर अपने अब हमने क्या चीज़ें देखी है, स्टोर पेज बनाने का तरीका देखा है हमने, सॉरी टेबल डाटाबेस क्रिएट की है, टेबल क्रिएट किया है, और साथ ही हमने क्या किया है कि हमने टेबल बनाया है और उसमें जो लग। अब मैं कहता हूँ कि सपोज करें अब मैं चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, मैं इसको इधर गया डाटाबेस का टेबल, चलो मैं इसको फिलहाल इतना ही करता हूँ, ठीक हो गया जी। मैं इसको क्या करता हूँ, ये इसको गया और मैंने इसको ये किया, चैट जीपीटी पे गया। अब समटाइम होता है टेबल के अंदर 100 फील्ड है आपके, अब 100 फील्ड को 1 by 1 लिखोगे तो आप वो उस पर टाइम लगेगा। अब सिंपली क्या कह सकते हो, एक्ट एज SQL सर्वर डेवलपर, ठीक है। प्लीज क्रिएट स्टोर प्रोसीजर फॉर माय, प्लीज क्रिएट स्टोर प्रोसीजर फॉर एड अपडेट गेट एंड डिलीट फॉर दी फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कंट्रोल सी किया और मैंने चैट जो कहा भाई मेरा ये टेबल है ना, इसका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर दो आप। अब उसने क्या किया, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं सारे। अगर आप अभी देखा जाए तो इसने मेरे मुझे 15 सेकंड के अंदर उसने 3 सारे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर दिया। अगर आप ये खुद क्रिएट करते इस तरह करके तो आपका इस पर टाइम लगना था। अभी इसको मैंने कॉपी किया और साथ ही मैंने इस विंडो में गया, मैंने यहाँ पे किया और अब इसका नाम मैंने वही रख दिया जो मैंने नाम बताया था कि हमने इसका नाम क्या रखना है, यू एस पी एड कस्टमर या इंसर्ट कस्टमर, ये उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से दूसरा उठाऊंगा, यहाँ से मैं तीसरा उठाऊंगा, मैं सारे कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास
अब सपोज करें कि उसने आपको रिटर्न करवा दिए सारे, गेट कस्टमर, अच्छा जी उसने रिटर्न कर दिया, ऐड कस्टमर, डिलीट कस्टमर और गेट कस्टमर। अब मैं कह देता हूँ कि प्लीज प्लीज क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर दैट विल क्रिएट स्टोर प्रोसीजर दैट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ कस्टमर शो लेटेस्ट कस्टमर ऑन टॉप। अब उसने क्या किया है जी के अब उसने क्या किया है कि मुझे स्टोर पर से बना दिया और लेटेस्ट को टॉप पे शो करा दो, तो उसने ऑर्डर बाय भी लगा दिया इसके अंदर, ठीक हो गया। अब इसने क्रिएट, अब मैं कहता हूँ मैं एक स्टोर पे बनाऊँ जो सर्चिंग करे, प्लीज क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर टू सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। एक स्टोर प्रोसीजर बनाओ जो कस्टमर में से सर्च करे दो पैरामीटर के बेस पर। अब उसने मुझे एक स्टोर प्रोसीजर बना दी है जो क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस पर सर्च कर रहा है। इसको मैंने उसमें साथ उसने लिख दिया वेयर लाइक इज कस्टमर नेम इज दी लास्ट नेम, तो ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया। और दूसरा तरीका ये कि आप कहते हो कि आपके पास आपने खुद ही क्रिएट करना है, तो आप वो इस तरह भी कर सकते हो कि टेबल में जाओ आप, यहाँ पे व्यूज में जाओ आप, व्यूज में जाने के बाद न्यू व्यू में करो, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे दोनों आ गए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा कि ये कस्टमर टाइप है और इसका यहाँ पे ज्वाइन लगा हुआ है, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ ये सेलेक्ट करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, जब मैंने ड्रैग ड्रॉप किया तो इसने सारा ज्वाइन लगा दिया था खुद ही, कि मैं कहता हूँ यार ये भी रिटर्न कर दो, तो ये मुझे उसने स्टोर पेज बना दिया है। कंट्रोल सी किया, जो स्टोर पेज मैंने बनाया हुआ था उस दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे गया न्यू न्यू स्टोर पेज पे गया, राइट क्लिक किया, स्टोर पेज पे क्लिक किया, इसके अंदर मैंने वो क्वेरी लिख दी ये वाली, ठीक हो गया। और ये मैंने ये पैरामीटर वाला चाहिए होता, मुझे पैरामीटर नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। मैंने साथ इसका नाम लिख दिया USP insert select USP get customer, मैंने इसका वर्जन 2 रख देता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया। तो इस तरह हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बनने का ये तरीका भी है। तो अच्छा ये चीज़ होगी, जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बना लो तो स्टोर प्रोसीजर आप बेसिकली स्टोर प्रोसीजर होता क्या है कि स्टोर प्रोसीजर एक क्यूरी होती है, यह कह लो कि एक स्क्रिप्ट होता है जिसको यूज़ करते हो आप डाटाबेस के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। ये स्टोर पेज दरअसल यूज़ होते हैं किसी बैकएंड पे कॉल करने के लिए। जब भी आप स्टोर पेज बनाओ तो सबसे पहले आपने उस स्टोर पेज को खुद अपने पास टेस्ट करना है। अगर अपने पास टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, अगर आपने ये वाला बनाया है ना, इसको एग्जीक्यूट करो, ओके करो, इसका मतलब है कि ये स्टोर पेज को इस तरह करके देखा तो ये डाटा लेके आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टोर पेज ठीक है आपका ये। अब ऐड कस्टमर वाला है, इसको मैंने टेस्ट करना है तो कैसे करूँगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझसे पैरामीटर मांगेगा, इसको पैरामीटर दो आप, कोई भी एक वैल्यू दी मैंने इसको बी सी 10 10 2023 कंट्रोल सी किया, डेट ऑफ बर्थ दे दी, फ़ोन नंबर मैंने इसको ये दे दिया, ओके किया, इसका मतलब है इसमें एरर आ गया है, ठीक है। एरर का मतलब क्या है कि इसमें जो हमने डेट टाइम भेजी है ना वो सही नहीं भेजी, हम इसको इस तरह करके भेजते हैं, इस तरह करके भेजते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब देखा जाए तो हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर क्या कर रहा है कि हमने इसको टेस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब मैं अगर इसको चेक करूँ तो ये वाला था एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, ओके किया, अभी उसने डमी एंट्रीज की थी ना ए बी सी वाली, ये सारी उसने कर दी, अभी चार आ रही हैं और मैं इसको कॉल किया दोबारा, इसको दोबारा कॉल किया तो 5 आ गई हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दोनों स्टोर प्रोसीजर क्या हो गए, टेस्ट हो गए। तो जब भी जितने भी स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं आपने, बनाने के बाद आपने प्रॉपर टेस्ट करने हैं ताकि जो डेवलपर है बैकएंड का
इंस्टॉल प्रोसीजर को यूज़ करेगा तो वो प्रॉपर वर्किंग में हो, ऐसा ना हो कि डेवलपर जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो वो आपसे कहे कि भाई ये इंस्टॉल प्रोसीजर नहीं चल रहा। अब मैं कहता हूँ कि भाई इंसर्ट, अब मैंने देखा जाए मैंने ऐड कस्टमर वाला कॉल किया है ना, तो इसने मुझे रिटर्न ज़ीरो किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि प्लीज़ राइट अ स्टोर प्रोसीजर दैट विल सेव रिकॉर्ड इन द डेटाबेस एंड विल रिटर्न आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड। मैंने इसको ये किया। अब इसने, जब मैंने इसको पहले बताया था ना ये वाला टेबल है, उसने याद रखा हुआ है सब कुछ ही। अब उसने क्या किया है कि अब उसने जो स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है ना वो पैरामीटर ले रहा है ये, साथ ही उसने क्या किया हुआ है कि आउटपुट दे दिया है, और साथ ही उसने ये क्यूरी लिखी है, साथ उसने ये भी बता दिया है कि स्कोप आइडेंटिटी क्या है ट्रू। ये स्टोर प्रोसीजर क्या करे कि जब ये क्रिएट करे तो क्रिएट करने के बाद उसका आईडी रिटर्न कर दे हमें। अगर मैं इसको यहाँ पे देख चलाता हूँ क्यूरी को, इसको मैंने रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्टोर प्रोसीजर को मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिएट करने के बाद मुझे, क्योंकि समटाइम्स सिनेरियो इस तरह का होता है कि आप क्या कहते हो कि यार मैंने जो एक कस्टमर क्रिएट किया ना मुझे उसका आईडी चाहिए, इस आईडी को मैंने किसी और जगह पे यूज़ कर रहा होता है, कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, एक स्क्रीन बनी हुई है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, जो चाइल्ड है उसको पेरेंट का आईडी चाहिए होता है। तो इस सिनेरियो के हम क्या करते हैं कि स्टोर प्रोसीजर बनता है वो कोई वैल्यू लेता है, और वैल्यू लेने के बाद डीबी में सेव करवाने के बाद आईडी रिटर्न कर देता है, उस आईडी को हमने फर्दर यूज़ करना होता है। अब सपोज करें कि हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर गए, टेबल में गए, स्टोर प्रोसीजर के अंदर गए, तो ये उसने ये वाला स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर दिया ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टोर प्रोसीजर को मैं यूज़ करके देखता हूँ ये, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू इसको 1 दे दी, यहाँ पे इसको नाम मैंने आसिफ रख दिया, इस पर मैंने अली रख दिया, और डेट मैंने इसके अंदर 1 स्ट्रिंग में लेता है 1 10 10 2 0 2 3 ये किया। फ़ोन नंबर में मैंने उसको ये दे दिया, और इधर मैंने इसको आउटपुट में मुझे वैल्यू नहीं रिटर्न करवानी खुद, इसलिए मैंने इसको ये भेज दिया। अब इसने क्या किया है कि अभी इसने क्रिएट करके रिटर्न आईडी 6 कर दिया है, जब भी आप इसको कॉल करोगे तो ये 7 कर दिया रिटर्न इसने, कि जब भी ये क्रिएट करेगा तो आईडी रिटर्न कर देगा, ये आईडी आपको कहीं और जगह चाहिए होता है। तो ये हमारे पास कह लें कि एक बेसिक सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने डाटाबेस का टेबल कैसे क्रिएट करना है, डाटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, स्टोर फीचर कैसे क्रिएट करना है, और स्टोर फीचर करते हुए आपने प्रीफिक्स यूज़ करने हैं और प्रॉपर उसके वर्जन मेंटेन करने हैं, और आपने उसकी प्रॉपर स्टोर फीचर को आपने टेस्ट करना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है स्टोर फीचर का, हमने उसी को फॉलो करना है। तो अभी हमने क्या देखा है कि हमारे पास ये वाली वीडियो बन गई हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, एक वीडियो ये बन गई हाउ टू डिज़ाइन डेटाबेस। अब हमारे पास दो वीडियो रहती हैं, एक ये रहती है हाउ टू क्रिएट यूआई यूएक्स के डिज़ाइन कैसे बनाना है, उसके बाद एक वीडियो रहती है हमारे पास कि जब हमारे पास फ्रंट एंड भी बन गया, डाटाबेस भी बन गई, तो हमने इसकी कनेक्टिविटी किस तरह करनी है, फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी हमने कैसे करनी है, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा।